कांग्रेस की बैठक खत्म हो चुकी है। पीएल पुनिया जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत की गई है? अभी तो जो रेजोल्यूशन कल प्लेनरी में महाधिवेशन में प्रस्तुत किए जाएंगे उन पर डिस्कशन था, उस पर फाइनल किया गया है, उसी पर चर्चा हुई। सर, लगातार बहुत है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल वेलफेयर है, यूथ कांग्रेस यूथ का है और इंटरनेशनल उस पर मुद्दों पे है, तो काफी लंबा चौड़ा। सर, लगातार शीर्ष के जो नेता हैं, राहुल गांधी कहें, सोनिया गांधी कहें, अब वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं, प्रियंका गांधी के भी पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। महाधिवेशन से क्या एक क्या संकेत है? 5 साल के बाद है और जो चुनाव है वो भी बहुत दूर नहीं है, साल भर से ज्यादा ये समझिए कि है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। सर, तो साफ तौर पर ये कहना है कि 2024 का और जो 23 का रास्ता है वो इस महाधिवेशन से निकलेगा। जी, जी, जी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पीएल पुनिया ने साफ तौर पर यही कह दिया है कि 2023 और 24 का जो रास्ता है वो इस महाधिवेशन से निकलेगा, और साफ तौर पर यही कहना है कि जो राष्ट्रीय महाधिवेशन है उसको लेकर जितने जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के वो यहां पर पहुंच रहे हैं, तो इसे लेकर कांग्रेस में कई बड़े जो निर्णय है वो लिए जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक डटसेना के साथ आनंद शर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर।